जितना तुम चुभती हो या मैं तुम्हें चुभता हूँ, इतना भी नहीं चुभते हैं। तो मैं भी मास्क लगा ही लूंगा अगर होगा तो, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है क्योंकि मास्क लगाने का तो। ओके ओके ओके, ये निब्बो वाली जो निक्कर पहनी हुई है ना, ये देख लो। ना मेरा बाबू, अल्ले ओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, सबको राम राम है भैया। ठंडा तो बढ़ गया है क्योंकि बाहर आज धूप का नामो निशान नहीं है। सुबह तो लग भी रहा था कि कुछ है, अब तो बिल्कुल हेजी टाइप का वेदर हो रखा है, बिल्कुल ही बादल छाए हुए हैं, कपड़े भी सूखना अभी से मुश्किल है, आगे का तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो फिलहाल आज का प्रोग्राम ये है कि आज निकालने हैं बाकी सारे गर्म कपड़े, जैकेट है, जो भी बची कुछी रह गई थी, क्योंकि जब मैं घर गया था मैं दो तीन चीज़ें निकाल ली थी मैंने, क्योंकि ट्रेन में सफ़र में या ट्रैवल में थोड़ा सा ठंडा तो लगने लग गया था, इसलिए मैं निकाले, उस समय सारे नहीं निकाले थे। तो अब टाइम आ गया है क्योंकि अब हमें ट्रिप भी अगर आके भी करनी होती हैं तो बाहर ठंडा हो ही जाता है। अभी चंडीगढ़ भी गए थे तो भी बाहर ठंडा हो गया, हालांकि दिन में कहीं देखो हर जगह का वेदर अलग होता है। कहीं वहाँ लोग शिमला मनाली जाते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल मिलने मिल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गर्म कपड़े अब तो निकालने हैं, बाकी जो समर के रखे हुए हैं उनको रखने ताकि थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज होता रहे, क्योंकि सब बाहर हो जाएंगे तो भसड़ बच जाती है। क्या होगा मौसम, ये कौन सा चिल्ला है, चिल्ला क्यों नहीं रहा है? चिल्ले का चिल्लाते हैं, सूजी का चिल्ला, सूजी का चिल्ला चिल्लाता नहीं है, पर मैं चिल्ला चिल्ला के खाऊंगा। तुम जैसे मर्जी, अरे चाय में दूध डाल दो, पता लगा ब्लैक टी बन रही है। चिल्ले का मूड कैसा आया तुझे? चिल्लाती तो रहती है, तो चिल्ला बनाया है तो मेरा चिल्ला, वो गाजर वाले डाल के खाने का मन था, बट मैंने हरी इसमें गाजर कैसे पड़ेगी, पके ही क्यों बारीक बारीक काट दो, आज पार गाजर तो ऐसे भी लोग अच्छी नहीं खाते हैं, कितना भी नहीं खाते तो हैं, वो ऐसे पकने खाने लग जाएंगे। मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर और प्याज डाला। अच्छा अच्छा, इंग्रेडिएंट्स भी बता दो क्या डालना है। इंग्रेडिएंट्स बता दो, ये देखो क्या मस्त बटर बन गया इसका। चलो जल्दी बना दो इससे पहले मुझे ले आप। आज मैं चिल्ला चिल्ला के खाऊंगा, चिल्ला चिल्ला बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, मतलब चिल्ला गांव भी है। हाँ तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके नाम अतरंगी रखे हुए हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में किसी से सुना था तो आगे शॉप के चिल्ला, कौन चिल्ला रहा है, समझ नहीं मारा। तो चलो भाई यहाँ चिल्ला बनना है और हम चिल्ला चिल्ला के खाते हैं। अब बिल्कुल निकाल ली, ठंडी हो रखी एकदम जमी हुई। आज उठने में बहुत लेट हो गया था यार, लगभग 12 बज गए थे, और फिर 12 बज जाते हैं ना तो फिर पूरा दिन का ही 12 बज जाता है यार। कोशिश करते जल्दी उठ जाएं, लेकिन अभी क्या है, क्या कितना भी कोशिश करो लेट हो, क्योंकि ये देखो यार रात में काम धाम होता है बहुत सारा, मतलब काम भी होता है, एडिटिंग भी करता हूँ, अपना ऑफिस का काम भी करता हूँ, तो लेट तो हो ही जाता है। और जल्दी सोने की आदत भी नहीं रही जब से नाइट शिफ्ट रही, हालांकि चेंज है लेकिन क्या रहता है ना, सफिशिएंट मुझे नाइट में ही लगता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में कहीं तो बाहर निकलना हो गया या कुछ काम करना हो गया तो वो सही रहता है, अब दिन में काम करते रहो तो फिर शाम में ही सब कुछ होगा। तो मैं ऐसा टाइम रखता हूँ कि ज़्यादातर थोड़ा सा लेट नाइट ही काम अपना निपटा लिया जाए, इसलिए थोड़ा वही आदत बनी हुई है लेट उठने की, कितना भी कोशिश करो। सोनी आज बोली थी यार कि मतलब दिन में जल्दी उठ जाया करें तो ये सब सारे काम निपट जाएं, बहुत सी लेट होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, पूजा पाठ टाइम से नहीं हो पाता अगर आप लेट उठते हैं। आज वही सीन हुआ, 12 तो ऐसे बज गया था, अब फटाफट नहा के 12 बजे पूजा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि भाई हम ब्राह्मण्स में तरीके से पूजा पाठ होता है, अगर जितनी भी करो लेकिन तरीके से करो, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटिकली कर दो। तो फिर मैंने कहा यार ठीक है एक काम करता हूँ, शाम में नहाऊंगा, शाम में ही पूजा कर लूँगा फिर, क्योंकि सोनिया का तो पूजा कर ही नहीं थी, मैंने कहा शाम में नहाऊंगा। तो उसी लिए मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े वगैरह निकाल लीजिए, थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए बेड की, और सोने को भी कहीं जाना है बाहर तो जाएगी अपना काम से अपने घर जाएगी, फिर उसके बाद उसके जो काम है तो मैं ये निपटा दूंगा, ताकि ये काम झंझट निपट जाए, फिर आराम से शाम में नहा करके पूजा पाठ कर लेंगे। सोनिया के घर से फ़ोन आया था कि कुछ इशू है, कुछ काम है, तो सोनिया को वहाँ जाना था देखने, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम हो जाओ जा करके, मैं तब तक क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि सारे जो बैगेज वगैरह हैं वो बेड के बेड बॉक्स में है, तो बेड बॉक्स निकालो खोलो ना, तो सोनिया को एलर्जी बहुत है, अगर वो होगी भी ना तो बस वो छींकती रहेगी छींकती रहेगी छींकती रहेगी, उसको डस्ट एलर्जी बहुत है तो मुझे भी, लेकिन कंपेयर टू सोनिया कम है। तो मैं भी मास्क लगा ही लूंगा अगर होगा तो, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है क्योंकि मास्क लगाने का तो छोड़ दो। तो फिलहाल मैंने कहा या तुम जाओ अपना देखो, जब हो जाए तो आ जाना, तो नहीं तो तब तक मैंने तो ये करना ही, क्योंकि भारी भारी बैग है वो निकालने ही मुझे ही है, उसको क्या ही करना है, और उल्टा बैठ के वो छींकेगी और अलग से, क्योंकि डस्टिंग बहुत हो जाती है, बंद रहते हैं ना बैट्स पे, इधर धूल मिट्टी जाते हो, दिल्ली में धूल मिट्टी बहुत है, कुछ भी बंद रख के रखो धूल मिट्टी डस्टिंग तो हुई है। तो वही मैं सोच रहा था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, मैंने चादर वादा बेड के सब हटा दिए, ये भी धुल जाएंगे लगे हाथ, इसके सफाई भी हो जाएगी तो बेड भी साफ हो जाएगा लगे हाथ। तो बैगेज निकालते हैं जो भरे हुए हैं इसमें, उनको देखते हैं कौन से कपड़े निकालने और कौन से वापस उसमें रख देने, क्योंकि समर के बाहर अलमारी में फैले रहते हैं, वार्डरोब में टंगे रहते हैं, फिर गंदे रहते हैं, तो फिर दिक्कत होती है, बहुत उलझन उलझ हो जाती है फिर।
तो निकालते हैं, करते हैं, क्योंकि अब नहीं किया तो कब करें। अब दिसंबर भी लग गया है भाई। चलो फिलहाल ये सब काम निपटाते हैं, करते हैं, आज ये करेंगे। ऐसा तो फिर ये रहेगा ना कि कल को मान लो कहीं भी हमने ट्रिप प्लान की, अगर नॉर्थ की करते हैं तो डेफिनेटली हमें जैकेट वगैरह शर्ट शर्ट पुल ओवर सब चाहिए ही चाहिए होगा भाई। थर्मल भी निकाल लें। एक बैग वो निकाल दिया है, एक बैग ही रखा है, बाकी साइड में जैकेट रखे हैं, तो उसको निकाल कर बस साफ करके लगा देंगे। उसके बाद पूरा अच्छे से बेड साफ करके फिर अपना एक फ्रेश चादर वगैरह बिछा देंगे। तो अभी फिलहाल बैग निकालते हैं भाई। जैसे बेड खोलो ना, तो हम लोग जानते हो ना, आप लोग कुनैन की गोलियां डालते होगे जो सल्फास टाइप की आती हैं, जैसे कीड़े वीड़े ना लगे बेड्स में, वो डाला हो जब खोलो ना तो वही स्मेल पूरी बाहर आती है, तो वो भी थोड़े एलर्जेटिक होती है, जिससे लगता है थोड़ा बहुत जुकाम ना हो जाए, तो यही प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन सोनिया को बहुत लगता है। वो छींकना चालू हुई तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब एक दो दिन फिर उसको वो जुकाम बना ही रहता है। इसलिए मैंने कहा यार चलो तुम देखो यहाँ भी होते, मैं ऐसा कर भैया तुम बाहर ही बैठो, क्योंकि फिर बाकी कामों में दिक्कत हो जाती है ना। चलो फिलहाल देखते हैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। इन सब बैगों को चेक करना है कि कहीं छोटे मोटे कीड़े तो नहीं होंगे। वो गोली वगैरह फिर से डाल दूंगा, वो कनैन की गोली होती है, आप लोग जानते होंगे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, यूज़ किया होगा। जैकेट्स हो गई, ये गर्म सॉक्स हो गए, टोपी वगैरह हो गई, इनको भी निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इनको तो भी धोना भी तो है, इन सबको निकालो, एक साथ धो भी नहीं सकते क्योंकि जो भी कपड़े धो रहे हैं वही नहीं सूख रहे। तो निकल गए सॉक्स वगैरह, ऐसे फैले में तो सही से रखने पड़ेंगे यार, उल्टा सीधा रख दिए। पुल ओवर, तो भाई यार बहुत कपड़े धोने वाले तो बहुत हो गए, धुलेंगे कैसे, मेन चीज तो सूखने का है, सूखे। अभी देखो ये जमावड़ा लगा है, अभी इसमें सारे कपड़े देखने को क्या, मुश्किल से 35% कपड़े तो मैंने पहले निकाले थे, बाकी इन सब में भरे हैं। इन सब में निकाल करके वापस अलमीरा में भर दूंगा और फिर एक एक करके इनको धोया जाएगा। अभी इकट्ठे तो कहीं से भी धुलने भी नहीं वाले, धुल तो जाएंगे लेकिन सूखेंगे तो जिंदगी में नहीं, इसलिए इनको दो चार कपड़े कर करके धोऊंगा इजी में, क्योंकि ये जो वुलन कपड़े हैं धुलते भी तो इजी में हैं। नॉर्मली अगर उसमें सर्फ में धो दो तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है रफी टाइप के, इसलिए इनको इजी में धोना भी एक टास्क है, और मशीन में इजी डालना फिर धोना तो वो भी एक वो चीज़ है। मेन तो है ना थोड़ा सा स्पेस कम है कपड़े सुखाने के लिए, छत पर कौन जाए इतने सारे कपड़े बार बार लेकर फिर जाके उतार के भी, क्योंकि आजकल धूप तो निकल नहीं रही, ऊपर से कोहरा और पड़ने लग जाता तो और भीग जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं। तो फिलहाल इनको देखते हैं क्या कैसे क्या निकालना है, कौन से रखने हैं। इस वाले में तो जैकेटें हैं भाई, तो इसको तो बंद ही कर देते हैं, इन जैकेटों के साथ साथ इसमें थर्मल्स भी हैं। चलो इसको देखते हैं, बाकी थोड़े बहुत कपड़े वहाँ ताके रखे हैं, हालांकि ये इनको धोना है लेकिन इनको आराम से धोएंगे। फिलहाल एक एक करके निकाल के जगह तहा के रख लेते हैं, ताकि बाकी गर्मी वाले कपड़े इनमें समेट के बैग अंदर रख दें, जब जगह खाली हो जाएगी तब इनको वहाँ लगा देंगे। तो खैर अपना तो काम हो गया, सोनिया भी आ गई है, खाने का सीन ये रहा था कि आज पनीर पैटीज ले आई थी यहाँ पे, एक द्वारका सेक्टर 6 में है, वहाँ पे पपन केक था, उसकी पैटीज पनीर पैटीज लाजवाब मिलती है, और आज कोइंसिडेंटली बहुत ही बढ़िया मिल गई नहीं ताज़ी, काफ़ी टाइम हो गया था खाने में, तो ये वहाँ गई हुई थी, मैंने फ़ोन किया ले आऊँ, मैंने कहा ले आओ नेकी और पूछ। तो भाई देख रहे हो टाइम लगभग 5:45 हो रहा है यार, तो जब से गई थी उसके आधे घंटे बाद से लगा हुआ हूँ इधर उधर उधर उधर, अब जाकर ख़त्म हुआ है। अब यहाँ ही मैडम, अब इनको भी अपने इधर उधर करने, मैंने कहा यार अपना तो जगह ढूंढ लिया, अपना हो गया नहीं मिला, ये रो अब मिला है। अब तुम रखती है ऐसे वो चील वो मेरी तरह, देखो दो बैग हैं बढ़िया, उनमें प्रॉपर रखा है, मुझे कुछ चीज निकालनी होगी तो मुझे उस तरह से रखी हुई है कि इन केस अगर मालूम कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो जब ऑब्वियस है वहाँ पे ठंडा नहीं होगा और हो भी सकता है, तो उस हिसाब से मैंने टी शर्ट ऊपर ही रखी हुई है कि इनकेस निकालना होगा तो मुझे पूरा बैग खगोलना नहीं पड़ेगा। अभी दिखा दूंगा ना लोगों को, सच्चाई पता चल जाएगी। छोड़ो मैनर्स है, तुम ऑर्गेनाइजर हो, आप ऑर्गेनाइज नहीं है, सोनिया लगेगी ये गिरेगा। चलो फिलहाल यार इनके थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं, नहीं कहीं खोपड़े उपड़े तोड़ लेंगे उस समय, तो फिर हो जाएगा ऐसे, उठाती है बेड और तुरंत मुंह ऐसे कर देंगे अंदर, लग गई फिर कहेंगे हाँ लग गई चोट लग गई, थकान बहुत हो गई यार। तो सामने इसमें बैठ जाऊँ, इस पे बैठ जाओ, कैसे लोग हैं यार, चील का वो कैसे बना रखा है, इसकी चेन लगवानी है, इसके खस्ता आलो रखे हैं, अरे चल रहे हैं तो चलने दो यार, ले लेंगे नए, कहाँ भागे जा रहे हैं।
इतना भी नहीं चुभते हैं जितना तुम चुभती हो या मैं तुम्हें चुभता हूँ, इतना भी नहीं चुभते हैं। देखो यही बदतमीजी, इसी बदतमीजी के चलते मैं ये कल वही बात कह रहा था ना कि ये देखो शुरू में कैसे थी और अब कैसी है। बस 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 और बदनाम कर रहा मुझे। देखो कैसा कपड़ा रख रखे हैं। और भाई ये मेरा फॉर्मल ब्लेजर मुझे इतना मिस होता है ना ये। मैडम ने एक ब्लेजर अपना ड्राइगली में डाल रखा है, वो आज जमाने हो गए, वो आज तक आया नहीं, एक महीने से ऊपर ही हो रखा है। अब वो चला भी गया होगा, टाटा बाय बाय भी हो गया होगा उसका। इतना महंगा ब्लेजर था यार वो, ये तो फिर भी ये फॉर्मल है, वो बढ़िया स्टाइलिश था, लेकिन नहीं ऐसे लापरवाह लोग हैं ना, हमें ही मिलते हैं। और देखो इसे मैंने बताया ना कि इसे छींके भी आती है, बंदी मास्क नहीं लगाएगी, कुछ भी नहीं बांधेगी, और बाद में रोती रहेगी कि मुझे छींके आ रही हैं, मुझे दस्ती में जाती है, हाय एलर्जी हो जाती है। इतनी ड्रामेबाज है ये औरत, पता नहीं क्या करूं मैं इसका। काश छेरी सिंह के लाते होते ना तो यहीं से ऐसे मारता है। बस बकलोली को बता दो, बकलोली करने को बता दो बस। अभी भी मैंने बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि कुछ बांध ले, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, इसीलिए तो मैंने करता था तुम ये रहती हो। चलो हाँ अच्छे से बांध लेना, अच्छे से मेरी अलमीरा बंद कर दे, सारी मट्टी घुस जाएगी अंदर, यहाँ जितने भी उड़ाओ डस्टिंग उड़ती है वो इधर उधर जाकर के बैठती। मैं तो मैं थोड़ा देर बैठूंगा यार, मैं कुछ पढ़ाई जा रहा, मैं नहीं जानता यार, मैं बहुत थक गया हूँ, इन सबको उठाने जाना है, ये भी फट रहे हैं इसकी, ये चेन में सब खराब हो रही है इनकी, जब बदलेंगे तब या जब चीज चल रही तो क्यों होता है जल्दी बदलना, हर चीज नहीं बदली जा सकती ना, कार हर चीज बदली जा सकती। देखो छोड़ ओके ओके ओके, अगर यही मैं आती तो मैं चिल्लाता और क्या करता, तुम नहीं चिल्ला सकती हो क्या, प्रैंक के चक्कर में अभी टेम हो जाती। अच्छा सुनिए, अच्छा लग जाए तो तुम क्या करोगी, कैमरा बंद करने को बोलोगी पहले या सामने चिल्लाओगी? मुझे देखकर हंस रहा था ना, ये देखो क्या उससे तो ज्यादा स्मार्ट हो गया, ये देख लो भाई, ये बॉल जो निक्कर पहनी हुई है ना, ये देख लो, ये जो कल तुम ही लेके आई थी, ये कल जो कल मुझे देख देख के जो हंस रहा था ना, ये देखो टोपिया बेटे, ये देखो स्मार्ट लग रहा हूं और आज भी उतना ही हैंडसम हूं। कोई नहीं, ये ये जैसे गोवा नहीं जाते लोग पहली पहली बार तैयारी करते हैं, चलो मुझे लोग गोवा नहीं जाते पहली पहली बार प्रिपरेशन करते हैं कैप, तो ये आप ही ने दिलाया था, ये कैप भी आप ही ने, मैंने नहीं दिलाई, मैंने कभी कैप पहनी नहीं है। हां 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 ठीक 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 ठीक, जबरदस्ती कुछ भी, जबरदस्ती कुछ भी, कैब का आइडिया इसी का था, एक कैब ले लेते, कैब ले लेते हैं भाई, नहा धोना हो गया तो उसके बाद बढ़िया पूजा पाठ कर लिया आज दिन में, वैसे बताया था जैसे कि सुबह तो बहुत लेट उठे थे, कल से काम करेंगे, कल से रूटीन बना लेते हैं, जल्दी उठेंगे, चाहे जितना भी लेट सोए, चाहे सुबह 6 बजे भी ना क्यों ना सोए, लेकिन सुबह जल्दी उठेंगे, हाँ ना भी सोए तो भी सुबह जल्दी उठेंगे, बहुत सारे चीज अटक जाती है यार। आज हमारा लेट उठने का रीजन ये था कि हमारी काम वाली भाग गई और वो आ गया उठाती है, अब वो तो खैर लगी इसी, वो तुम जानो, मैं अपना बता रहा हूँ जितना भी लेट सो जल्दी उठने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे से पूजा पाठ भी हो जाए, दिन का काम बढ़िया सा लगे, तो बहुत लेट हो जाता है कभी कभार का एक्सेप्शन चलता है ना, लेकिन फिलहाल भी क्या है कि थोड़ा बहुत काम निपटाया, इनको भी थोड़ा धरा टाई करनी थी, इन्होंने भी अपनी ऑलमोस्ट निपटा लिए, अब करने जा रहे हैं डिनर, डिनर बना है बढ़िया से दाल और मिक्स वेज बनाई मैडम ने, तो मिक्स वेज तुम्हारा खाने का मन नहीं क्या सुनिए? अच्छा मतलब तुम खाओगी नहीं, बस तुम खाली एक गोभी उठा के खाओगी, दाल गोभी आलू और मतलब वही मिक्स वेज बनी हुई है और राइस खाएंगे, कल चाप खाई थी आज दाल खा रहे हैं, कल फिर चाप मंगा लेंगे, नहीं दाल पौष्टिक होती, दाल खाओ, चाप भी पौष्टिक होती है समझिए, बहुत पौष्टिक होती है, मैंने परसों चाप बनते हुए देखी, उसमें मैदा डालते हैं, देखो मिलावट तो देखो हर जगह यार, वो उसका तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर यही है कि या तो खुद से बना लो या फिर जो जैसे यार ये तो अच्छा बहुत अच्छा बहुत वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट देखो कि वो बिल्कुल कुछ डालते लेकिन यार कुछ तो मिलावट चलती है, चाप बनकर आती है फैक्ट्री से, उसमें अच्छा वहां से बताओ इसके लिए फैक्ट्री कौन जाएगा, कौन जाएगा इसके लिए फैक्ट्री, तुम जाओगी? बोल रहे कि उसमें ना मैदा भी डलती है, खाली चाप नहीं होती, मैंने कल वीडियो देखा था, अच्छा बढ़िया थी यार, मजा आ जाता खा के, दाल चावल भी अच्छा लगता है पर दाल चावल में सबसे बड़ा हैप्पी है, सबसे बढ़िया खाना है, बढ़िया बना है ना, खा के देखूं तो बढ़िया नहीं है। चलो भैया डिनर निपटा लेते, आजकल क्या जाड़े में यार चीजें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, खासतौर से दाल, सब्जी तो फिर भी करना लगी, दाल बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है,
तो फिर किसी को बोल दो तो वो काटने को आती है, इसलिए शांति से खा लेते हैं। हाँ हाँ शांति से खाने जा रहा हूँ, काटो मत। मेरा बाबू अल्ले ओ, 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 ओ इसके तो मैंने पैसे भी नहीं दिए, ये तो तुमने ओवर एक्ट कर दिया, इसके तो मैंने पैसे भी नहीं दिए, तो स्क्रिप्ट भी नहीं था। अरे वाह अरे वाह, देखा देखा ये सब भी इस पे एक कहावत है, हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और बहुत तेज है। चलो फिलहाल, अरे नींबू भी है, नींबू तो हम भूल ही गए थे। चलो भैया आज तो मौज है एकदम। कहाँ जा रही हूँ? यार ना टीटी इन्होंने नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, तुम बहुत ज्यादा। अरे चाप नहीं मंगाएंगे यार, दाल खा लेंगे हम, तुमने आज अच्छी नहीं बनाई तो कोई बात नहीं खा लेंगे। नहीं मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने भाई के जा रही हूँ। इतनी अच्छी सी बात है, तुमने कहाँ से सीखी करनी बता? तो मुझे रोक रहे हो, मना रहे हो ना? चल जा ड्रामे मत कर, ये बोलो ना घर से फोन आया है, बुलावा आया है, चाप मंगाई होगी वहाँ पे? घर पे जाके चाप खाऊंगी मैं। तेरा भाई बड़ा साना है। तो मैं खाना खा लिया चाप खाऊंगी, तुम्हारे लिए भी भेजते हैं मेरे घर वाले, छाने नहीं है पहले तुम्हें ही भेजते हैं चाप खाऊंगी। चलो जल्दी होकर के आओ, कभी काम है तो घर जा रही, मैं चाह रहा हूँ अपना 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 काम करने, ये जा रही अपना काम करने, कुछ ले आना क्या घर से चाप आओ। चाप खाओगे अकेले अकेले मत दबाना, थोड़ी सी शर्म रखना। गाजर खुलवाने का मत करना। गाजर खुलवा जल्दी बनवा दे। तुम कसो को लगा दूंगी मेरे नाजुक से हाथों में, तुम ऐसा जुल्म ढाओगी कस कस के कस 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 के, जिंदगी कसौटी की होगी इतनी तो गाजर कस ली मैंने। चलो ठीक भाई हम तो चले अपना काम करना, ये जा रहे हैं अपना, आ जाएंगे आराम से अपना काम निपटाते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग भी करनी है अपना काम भी करना है, उसके बाद चिल मार के सोएंगे। उठो टाइम ना पास, जल्दी उठना है सुबह। हाँ जल्दी उठना है, ये बात तो बहुत सही कही आपने, आज काफ़ी काम तो निपट ही गया है, कपड़े वगैरह सब निकाल लिए हैं ठंड के जितने भी हैं, कोई ट्रिप प्लान करते तो अब ये नहीं रहेगा कि कपड़े धुले नहीं है या सडन धोने हैं या ये नहीं वो नहीं है, जो नए खरीदने होंगे वो नए खरीद लेंगे, जैसा कुछ जैकेट वगैरह या स्वेटशर्ट वगैरह वो कुछ देख लेंगे, और ये नहीं रहेगा कि मतलब कपड़े निकाले नहीं है सडनली, क्योंकि ट्रिप हमारी कभी भी सडन ऑल ऑफ अ सडन ही बन जाती है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या घूमने से रिलेटेड हो। तो ये आज काम ही हो गया, सोनिया भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं अपना काम निपटा रहा था ऑफिस का, उसके बाद थोड़ा एडिटिंग भी करेंगे तो बहुत लेट हो ही जाता है, और वैसे भी हम लोगों ने प्लान किया कि सुबह हम जल्दी उठेंगे, चाहे जितना देर में सोएं, चाहे सुबह 6 बजे सोएं 4 बजे सोएं, लेकिन जल्दी उठेंगे, तो वही प्लान है, तो अपना काम निपटा लेते, जितना जल्दी काम निपट जाएगा उतना जल्दी सो भी जाएंगे, तो अपने लिए ही बेनिफिट है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, यार पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि व्लॉग कैसा लग रहा है आपको, क्या चीज़ उसमें ज़्यादा पसंद आ रही है और क्या चीज़ नापसंद हो रही है, ताकि उस पर हम वर्कआउट कर सकें। तो ये आप ही लोग तो बताओगे, तो आई होप कि आप लोग इसका ध्यान रखोगे, बताओगे कि क्या सही है क्या नहीं सही लग रहा है व्लॉग में और किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।